सो हेलो एवरी वन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है और आप लोग छोटे से गोपू का दर्शन कर लीजिए। तो जैसे कि सुबह सुबह का टाइम है और मैंने कर लिया है मेरा ब्रेकफास्ट और दीपक अभी अभी उठा है। मैं भी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, लेकिन मैं उठ के मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया क्योंकि मेरे को सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा अभी भूख लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं पहले ना पूरा सुबह ही खाना नहीं खाती थी, सुबह खाना ही नहीं खाती थी क्योंकि मैं स्किप कर देती थी, डायरेक्ट दोपहर को खाती थी। और जो चीज़ एकदम अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वही करती थी। और अभी डॉक्टर ने बोला है कि रात बहुत टाइम का गैप हो जाता है, तो सुबह उठ के जितना जल्दी हो सके मुझे ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए क्योंकि बच्चा भी भूखा रहता है। तो इसीलिए मैं उठती हूँ, किसी का भी इंतज़ार नहीं करती हूँ। पहले मैं दीपक को छोड़ के कभी खाना ही नहीं खाती थी और अभी सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी सुबह उठ के मैंने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया है और मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ मेरा पूरा दिन का जो रूटीन है, मैं क्या क्या खाती हूँ और प्रेगनेंसी में क्या क्या आप लोग को लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ कुछ चीज़ अगर आप लोग को मेरे वीडियो के थ्रू मिल जाएगा तो और भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी एक दिन। तो अभी मैं बाहर गई थी और अभी जाऊंगी, मैं दीपक के पास जा रही हूँ। और गैस अभी थोड़ा बहुत ठंड लगता है सुबह का टाइम, जैसे नींद से अभी उठी हूँ तो ठंड लग रहा है और थोड़ी देर बाद नहीं लगेगा, और शाम को थोड़ा बहुत लगता है। थोड़ी देर बाद मैं ये स्वेटर खोल दूँगी क्योंकि अभी ठंड लग रहा है, थोड़ी देर बाद गर्म लग जाएगा, धूप आ जाएगा थोड़ी देर में। तो जाती हूँ, देखती हूँ ये क्या कर रहा है। मैं अभी बाहर से आई हूँ, बहुत धूप है, अच्छा लग रहा है थोड़ा। मैं धूप में गई थी, बना रहे क्या ऑमलेट? ऑमलेट हो जाएगा। ये देखिए कितना कुछ काटा है दीपक ने, सब दीपक ने किया है। अच्छा लगता है ना बाबू ऑमलेट? एक दिया है तुमने अंडा? दो दिया है। एक चीज मिस हो गया था, वो है धनिया पत्ता, वो भी देना पड़ता है अभी, जैसे कि अभी बहुत ज्यादा मिलता है धनिया पत्ता। सब कुछ में डाल देते हैं हम लोग और अच्छा भी लगता है। वी आर इंडियंस, बिना धनिया का कोई यूज नहीं बनेगा। यस, और अंडा में देने से ना बहुत अच्छा भी लगता है ना। कढ़ाई भी गर्म है, रिफाइन के बोतल में सरसों तेल लगते हैं हम लोग। हो गया हो गया, इससे तो सब्जी बन जाएगा लग रहा है। तो हो रहा है इधर ऑमलेट, एक साथ दो सब दे दिया, एक ही साथ हो जाएगा। पलट पाओगे? हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अपने के टाइम तुम इसको झूरा झूरा भाजा कर देते हो, झूरा झूरा भाजा कर देते हो इसको, पलटता ही नहीं। आज पलटेगा देखती हो, आज पूरा लाइफ टेस्ट हो रहा है तुम्हारा। गाइस पलट दिया, ये कैसे पलटा? नहीं पलटा, पलटा है लेकिन अच्छे से तो नहीं पलटा। अरे अच्छे से कैसे पलटेगा, तावा थोड़े ना। तो ये रहा ऑमलेट, इसका हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, जैसे तैसे कढ़ाई से प्लेट में आया। और ये रहा दाल और है, बाकी लेंगे। ये है सोयाबीन का सब्जी, एकदम कम मसाला देके बनाया है ये ऑमलेट। तो आज का हमारा दोपहर का लंच यही है, सिंपल सा एकदम खाना। यहाँ पे प्रियंका खाना खा रही है, मेरा खाना खत्म हो गया है। ठीक है, तो ठीक लग रहा ना बाबा? ऑमलेट ठीक हुआ था ना? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 7:30 हो रहा है। और थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ नींद से, ये देखिए अभी तक बिस्तर नहीं उठा है। फिर मैं शाम को जो मैं सोई थी तो बिस्तर अभी तक उठाया नहीं, क्योंकि अभी ना बिस्तर में एक ना एक कंबल खुला हुआ रहता ही है, क्योंकि आप जब बैठते हो तो ठंड लगता है तो कंबल लेके बैठते हो, इसलिए हम लोग ठीक नहीं करते। जो नींद से उठे अभी तक कंबल ऐसे ही है। तो अभी मैं क्या खाना बना रही हूँ आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस मम्मी ने यहाँ पे प्याज काट के रखा है, और इधर लहसुन है, अदरक है, और इधर है टमाटर, सब कुछ काट के दिया है मम्मी ने, क्योंकि अभी मैं नीचे नहीं बैठती हूँ। तो जी अभी मैं नीचे नहीं बैठती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मना करके रखा है, पहले से ही मना करके रखा है, तो अभी भी नहीं बैठती हूँ।
और इस बार जब जाऊंगी ना डॉक्टर दिखाने, तो कुछ दिन बाद ही जाना है, तो मैं पूछूंगी इस बार, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ये दोनों घर में रहता है तभी मैं कुछ काट पाती हूँ, मैं कटवाती हूँ ये लोग से, मुझे कुछ काटने का मन हो तो मैं नहीं कट पाती हूँ, तो वही प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं डॉक्टर दिखाने जब जाऊँगी इस बार पूछूँगी कि नीचे बैठ सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि तो बहुत महीना हो गया है, पहले तो डॉक्टर मना करता है सबको ही नीचे बैठने के लिए, पता नहीं अभी तो सभी को मना करके रखा है, जितना भी पेशेंट है वहाँ जाता है, सभी से मैंने सुना है कि सभी को नीचे बैठने के लिए मना करके रखता है, पता नहीं क्यों, कोई रीज़न होगा ज़रूर। तो वही मैं अभी मान के चल रही हूँ, बहुत महीने से मैं मान के चल रही हूँ। अरे तुम नीचे बैठोगी ना, पेट में दर्द करेगा वो। जो भी हो वही मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है करके नहीं बैठ रही हूँ, मैं तो नहीं बैठती हूँ। तो दीपक है, दीपक काट के देता है, नहीं तो मम्मी रहती है, मम्मी काट के देती है, रात को तो मम्मी देती है, दोपहर को दीपक देता है, तो वही है। गाइस सब्जी बन गया एकदम, गोभी आलू टमाटर देखिए सूखा सूखा एकदम सब्जी है, और इधर गर्म हो रहा है दाल, ये दोपहर का दाल है, मैंने बनाया था दाल, और ये गर्म होगा अभी हम लोग खा लेंगे खाना। सलाद सलाद कटना है, टमाटर काट देता हूँ अभी, टमाटर गाजर सर पतला पतला अभी नहीं खाने का, खाओ यार ये खाओ, मैं टमाटर काट देता हूँ, ठीक है सबके लिए काट लो फिर, तुम लोग भी तो खाना है। बस यही प्रॉब्लम होता है कि कुछ काटने से ये लोग को काटना पड़ता है, तो नहीं। फिर भी एक होता है ना, तो इसलिए मैं मना कर देती हूँ। और सलाद है ना डॉक्टर ने बोला है खाने के लिए, लेकिन दीपक कुछ ज़्यादा ही दे देता है, आज अगर देगा तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को, आज ज़्यादा नहीं दोगे ना, ठीक है। हाँ नॉर्मल टाइप बनाओ, नॉर्मल लोग सलाद इतना ही ना खाते, इतना देगा। मैं उस दिन भात नहीं खा पाई, सलाद खाई हूँ और सब्जी खाई हूँ, थोड़ा भात खाई हूँ, भात मैंने पूरा दे दिया इसको, क्योंकि इतना ज़्यादा दे दिया, खाने से पेट तो फूल जाता है ना, भर्ती हो जाता है, बाद में भूख लगता है सलाद खाने से, तो इसीलिए अभी बोली हूँ कम दो, बाद में रात को मुझे भूख लगेगा, तो इससे अच्छा भात खाओ, सलाद खाओ, सब्जी खाओ, दाल खाओ, वो ठीक है। तो अभी बना रहा है सलाद और अभी हम लोग का खाना निकलेगा, मम्मी उस रूम पे देख रही है टीवी और मैं कुछ नहीं, मैं तो बोल रही थी सब्जी बनाऊंगी, लेकिन दीपक जब बाहर से आया उसने बोला लाओ मैं थोड़ा बहुत हेल्प करके देता हूँ, तो उसने बना के दे दिया, इसलिए मैं ब्लॉग करना भी भूल गई, लास्ट में आप लोग को दिखाया कि क्या बनाया है। तो गाइस यही होता है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग मेरे साथ। तो ये देखिए मेरे पीछे कौन है, क्यूटी पाई। तो जी खाना निकल गया, ये है गोभी आलू का सब्जी, और मैंने पहले बोल भी दिया था, एक अंडा बॉईल किया है, और इधर है दाल, दाल तो ले लेके खाना होगा, यहाँ काटा हुआ है सलाद, आज बहुत कम है फिर भी, नहीं तुम बोलने कम बनने के लिए इसलिए, अच्छा नहीं तो कल तो तुम्हें अकेला इतना खा गया था नहीं अच्छा मम्मी है, तुमने अंडा बॉईल नहीं लिया, इतना नींबू, अरे वो दो तो सलाद के लिए है, अच्छा इधर मम्मी का खाना है, आधा अंडा है, गोभी है, सेम सेम सबका है, सिर्फ दीपक अंडा नहीं खा रहा है।